हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सहायता संस्था द्वारा आज पुलिस थाना पालड़ी एम के SHO प्रभु राम सहित सभी लोगों को बेसिक लाइफ सेविंग कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया। साथ साथ CLG मेंबर, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र भी अधिक मात्रा में उपस्थित रहे। उदयवीर सिंह सहाया प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर द्वारा बताया गया कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को 10 सेकंड में सिर से पैर तक देखकर उपचार करने से कई जिंदगियां बचाई जा सकती है। हाईवे पर 1033, 108, 104, 112 नंबर पर एम्बुलेंस बुलाकर तुरंत मदद मिल सकती है। हृदय, मस्तिष्क व फेफड़े तीन प्रमुख अंग हैं जिसके द्वारा जीवन संचालित होता है। दुर्घटना में ज्यादा खून निकल जाए तो जीवन समाप्त होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। हार्ट अटैक के लिए जुबान के नीचे सबलिंगुअल आइसोडिल की गोली रखना व साथ साथ एक घूंट पानी में डिस्प्रिन की 325 या 350 मिलीग्राम की गोली लेने से हार्ट अटैक का मरीज अस्पताल पहुंचकर जान बचाने में सक्षम हो सकता है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये दवाइयां अपने साथ लेकर चले तो कहीं भी जान बचाई जा सकती है। असहनीय पीड़ा होने के साथ साथ उल्टी होना, आंख के सामने अंधेरा आना व बाएं हाथ की तरफ दर्द जाना इसका लक्षण है। समय पर उपचार देने से व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन व यूरोपियन रिसिस्टेशन काउंसिल का मानना है कि CPR की आवश्यकता पड़ने पर दिल पर दबाव के साथ साथ मुंह से मुंह लगाकर श्वास देना अनिवार्य है। इंडियन रिसक्सटेशन काउंसिल जो कि भारत की मान्यता प्राप्त संस्था है, उसके द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हमारी जनता सिर्फ दिल पर 100 से 112 सही तरीके से स्टर्नम हड्डी पर निरंतर दबाव दे तो जान बच सकती है, जिसको उन्होंने कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट यानी कि COLS का नाम दिया है। इसके द्वारा मानव पुतले पर CPR देकर बताया गया कि किस प्रकार CPR देकर जो हृदय व फेफड़े काम करना बंद कर दे चुके हैं उन्हें किस प्रकार चालू किया जाए, इस बारे में प्रशिक्षित किया। गुड स्मार्टियन यानी भला नागरिक के अधिकार व चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के बारे में जानकारी दी गई कि किस प्रकार किसी भी प्रकार व किसी की जान को किस तरह से बचाए जा सकते हैं और इस जान बचाने के साथ साथ प्रोत्साहन राशि व प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर सकते हैं। सहाय संस्था को ट्रांसपोर्टर कमिश्नर एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार थानों एवं आम जनता के लिए प्रशिक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। जागरूक टीवी के लिए पोसालिया से कल्पना माली की रिपोर्ट।